हेलो, आई एम डॉक्टर इरफान और मैं एक डेंटिस्ट हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिक्स दांत है, परमानेंट टीथ, जो एक बार लगने के बाद निकलते नहीं है और 95% तक आपको पता ही नहीं चलता कि दांत लगा हुआ है। तो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और हो सके तो लाइक कर दीजिए। तो शुरू करते हैं कि कुछ पेशेंट होते हैं जिनमें एक्सीडेंट की वजह से या किसी वजह से, मान लीजिए दांत खराब हो गया, सामने का दांत है निकल गया, तो क्या करें? अब सामने का दांत निकला है तो फेस अच्छा नहीं लगेगा, खराब लगता है। तो इसके लिए ऐसा क्या हो कि दांत लगे और पता भी ना चले और परमानेंट हो हमेशा की तरह, यानी कि नेचुरल वाला फील आए कि नेचुरल दांत है? तो उसके लिए क्या होता है कि दो तरीके के फिक्स दांत आते हैं, एक तो कैप वाला, दूसरा इम्प्लांट। तो शुरू करते हैं कि कैप वाला कैसा होता है। जो कैप वाला जो दांत होते हैं, जो फिक्स दांत होता है, उसमें क्या करते हैं हम, जैसे मान लीजिए आपका बीच का दांत निकल चुका है, उसमें उस कंडीशन में जैसे मान लीजिए एक दांत आपका इधर है, इसलिए एक इधर है और बीच का नहीं है, तो आपके दोनों साइडों के जो दांत हैं ओरिजिनल, वो दांत राउंड करे जाते हैं, उन दोनों दांतों की कटिंग होती है, यानी घिस दिए जाते हैं। घिसने के बाद फिक्स वाले एक कैप इधर ओरिजिनल दांत पे, एक कैप दूसरे ओरिजिनल दांत पे चढ़ा के, और जो दांत नहीं होता है वो उन्हीं दोनों कैप के बीच में ज्वाइंट करके और लगा दिया जाता है। ये होता है फिक्स दांत। नीचे आप पिक देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये तो एक हो गया फिक्स वाला। ऐसा तो पहला तो हो गया आपका जो साइडों में दांत पे कटिंग करके हमने आपके फिक्स दांत को लगा दिया। अब दूसरे पे आते हैं इम्प्लांट। इम्प्लांट में क्या होता है कि आपके जो दोनों में साइड के दांत होते हैं उनकी कटिंग से कोई लेना देना नहीं होता है, उनसे कोई मतलब नहीं होता है। जो दांत निकला हुआ होता है वहाँ पे हम मसूड़ा जो आपका होता है उसके अंदर एक हड्डी होती है, उस हड्डी को कट करते हैं, यानी कि बीच में एक होल करते हैं और उसमें एक पेच डाल देते हैं, यानी स्क्रू समझ सकते हैं आपके लिए, स्क्रू या पेच डाल देते हैं हम। डालने के बाद उसे 3 महीने तक के लिए छोड़ देते हैं। 3 महीने में जब आपकी जो जौ की हड्डी होती है ऊपर या नीचे जो भी हो, जब उस स्क्रू को पकड़ लेती है, मजबूती से ज्वाइंट हो जाता है वो, कम से कम उसमें 3 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद हम उस इम्प्लांट वाला जो पेंच स्क्रू होता है उसके ऊपर हम कैप लगा देते हैं, यानी कि दांत लगा देते हैं। तो दूसरा तरीका ये होता है, ये भी आप नीचे देख सकते हैं, पिक आ रही है कि इम्प्लांट कैसे लगता है, कैसे पेंच डालते हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इन दोनों में से जो भी अगर आप लगवाना चाहते हो तो हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस है हिलाल डेंटल क्लिनिक, गोला रोड, बिलसंडा, डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत। और जो भी आपको जानकारी चाहिए हो या आप जानना चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या नंबर छोड़ सकते हैं, हम आपसे खुद कॉन्टेक्ट कर लेंगे। थैंक यू।